नमस्कार जनते, में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी उथल पुथल की। वहां पे सरकार बन गई है, इमरान रन आउट हो गए। अब ये कहूं कि बीच में पारी छोड़ना पड़ा, कप्तान आउट, और अब नई पारी शहबाज शरीफ खेल रहे हैं, कैसा रहेगा। लेकिन उन्होंने जैसे बैठे और वहां के अवाम को देखते उन्होंने कश्मीर का राग भी अलाप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बधाई दी है। लेकिन चलिए, ये कर्सी है सब तरह की। शरीफ साहब, ये कहा जाता वैसे कि नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे तो भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर उनके गवर्नमेंट का, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। लेकिन अब शहबाज क्या करेंगे, वो शरीफ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, या फिर वहां की जो आवाम नहीं भी चाहते हुए, क्योंकि वहां की सेना चाहती है कि कश्मीर का मुद्दा सुलगता रहना चाहिए, जिसपे पाकिस्तान का कोई हक नहीं, उसको वो कई मरतबा इस बात को लेकर के। लेकिन कई तरह की खीज है जो पाकिस्तान बुलाना नहीं चाहता। तो चले, इस मुद्दे पर कैसे क्या स्थिति रहेगी। और एक बड़ी बात लेकिन ये कही जा सकती है, जिसका अंदेशा काफी था कि वहां तख्ता पलट हो सकता है। तख्ता पलट नहीं हुआ, सेना के हाथ में शासन नहीं गया, लोकतंत्र चुनी हुई सरकार के हाथ में रहा। तो एक बड़ी बात ये कही जा सकती है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर करमवीर सिंह जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं करोड़ी सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, ये नई सरकार बनी है, कुछ डाउट्स थे कि इमरान अगर इस पोजीशन में जाते हैं तो सरकार सत्ता पे कब्जा सेना का भी हो सकता है, जो कई बार हो चुका है। लेकिन वहां पे जो सिस्टम रहा और बहुमत के आधार पर अपोजिशन ने अपना एक संयुक्त लीडर चुना और वो सरकार बना दी। जब भी अभी कितने दिन चलती है, क्या रहेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो एक लोकतांत्रिक सरकार वहां कायम कह सकते हैं। तो कुछ भविष्य को लेकर के हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत। कई बार ये सोच के चलता है कि सौहार्दपूर्ण माहौल रहना चाहिए और एक भाईचारा जैसा एक मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तान कई बार इस तरह की स्थितियां पैदा कर चुका, उसके नापाक इरादे कई बार सामने भी आते हैं। तो अभी गवर्नमेंट नई रिफॉर्म हुई है, तो इससे हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, शांति बहाली में दो कदम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, आपने दो सवाल पूछे हैं। एक तो पाकिस्तान में क्या ये सरकार स्थायित्व दे पाएगी, और जिस तरीके से सरकार बनी है और जिस तरह से दोनों ही राजनीतिक दलों में, सत्ताधारी दल जो इमरान खान का था और ये अपोजिशन का जो गठबंधन था, इनमें कटुता आई है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी रूप का राजनीतिक स्थायित्व हो पाएगा। और इस राजनीतिक अस्थायित्व में आग में घी का काम पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति करेगी। तो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता राजनीतिक स्थायित्व होगा। इमरान खान की का दल है, वो हो सकता है उनके सब सदस्य रिजाइन भी कर दें नेशनल असेंबली से। तो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन जनता के सामने जाना होगा, चुनाव होगा। और अगर ज्यादा हिंसात्मक रूप लेता है तो सेना के आने की अभी भी संभावनाएं कम नहीं हुई हैं, क्योंकि जिस तरह की कटुता बनी है उसमें मुझे नहीं लगता कि शरीफ साहब सरकार चला पाएंगे। दूसरा आपका सवाल है भारत को लेके, भारत के लिए क्या अर्थ है, क्या हम शांति बहाली की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी रूप में हम शांति बहाली की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उसको रेस्पॉन्ड भी किया, एक शिष्टाचार जो होना चाहिए, बधाई संदेश होना चाहिए, तो उसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं होता है कि जब तक आपका कोई परंपरागत तरीके से स्टैंड ले रखा है उसमें परिवर्तन हो। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जो मैसेज भेजा है उसमें आतंकवाद को रेफर किया है कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, शांति स्थायित्व होना चाहिए, इस तरह की बातें कही है। तो भारत की जो स्थिति है कि आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में भारत को ये अश्योरेंस नहीं देगा कि अश्योरेंस कई बार दिया है लेकिन व्यवहारिक में ऐसा नहीं करेगा कि भारत में आतंकवाद को प्रमोट नहीं करे, तब तक कोई शांति की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो स्टैंड परंपरागत तरीके से रहा है कि कश्मीर एक कोर इश्यू है, अगर कश्मीर का हम समाधान कर लेंगे तो बाकी सब इश्यू अपने आप सुधर जाएंगे, व्यापार भी बढ़ जाएगा, दोस्ती भी हो जाएगी, हम उस तरफ बढ़ जाएंगे। तो पाकिस्तान ने उस इश्यू को लेके, क्योंकि शरीफ साहब ने असेंबली में बोलते हुए भी ये कह दिया है कि कश्मीर के मामले में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इस तरह का शरीफ साहब इंडिकेशन ऑलरेडी दे चुके हैं,
तो एक जो इमरान खान को लेके एक गलत फहमी हमारे यहाँ मीडिया में भी हुई और हमारे यहाँ की जनता में भी हुई कि इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की है। मेरे ख्याल से वो कोई प्रशंसा नहीं थी, वो इमरान खान की अपनी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था और उस स्ट्रेटेजी में ये बताना पाकिस्तान के आवाम को कि हमारी विदेश नीति में हमारे देश के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकत हस्तक्षेप कर रही है, जो अमेरिका को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा, अमेरिका की चिट्ठी का रेफरेंस दिया, ये सब बातें सामने आई। तो वो ये चाहते थे कि देखिए भारत की विदेश नीति कितनी अच्छी है, भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए हुए हैं, स्वायत्तता बनाए हुए हैं। तो पाकिस्तान के आवाम में एक तरह की राष्ट्रवाद की भावना लाना अमेरिका के विरुद्ध और अपनी तरफ समर्थन में लेने का उद्देश्य था, भारत की प्रशंसा करना कहीं कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन उससे ये गलत फहमी हुई कि देखिए भारत की विदेश नीति का इमरान खान ने समर्थन किया, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि शरीफ साहब के आने के बाद में पाकिस्तान में दायित्व होगा, आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान सुधरेगा, क्योंकि पहले तो पेंडेमिक ने अर्थव्यवस्था दुनिया की बिगाड़ी, उसके बाद यूक्रेन की स्थिति आई, उससे सभी देशों के सामने फूड फर्टिलाइजर और एनर्जी तीन तरह का क्राइसिस, सप्लाई चेन पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हुई है, उससे पाकिस्तान पे भी इम्पेक्ट होगा, भारत पे भी होगा, सब देश प्रभावित होंगे। तो आर्थिक संकट बना रहेगा, हमारे पड़ोस में श्रीलंका में भी है, नेपाल में भी आर्थिक संकट की स्थिति बन रही है, तो आर्थिक संकट पाकिस्तान में बना रहेगा, और जितना पाकिस्तान में आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक संकट होगा वो भारत को टारगेट करेंगे किसी न किसी रूप में। तो मुझे लगता है कि किसी भी रूप में भारत के साथ संबंध सुधरने की जगह और अधिक बिगड़ते मुझे नजर आ रहे हैं, सुधरेंगे नहीं, भारत को फिर से टारगेट बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व और पाकिस्तान का राष्ट्रवाद भारत विरोधी दृष्टिकोण में ही निहित है। इसलिए पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में कोई दोस्ताना संबंध होंगे मुझे नहीं लग रहा है योगेंद्र जी। बिल्कुल, ये वर्षों से सिलसिला भी चला आ रहा है, क्योंकि चाह करके भी कोई गवर्नमेंट अगर लिबरल होने की कोशिश भी करे तो वहां जो कट्टरवाद सेना है वो कभी भी इस तरह की स्थापना नहीं होने देगी। वो उस ये कहूं कि जो एक सौहार्द की ओर अगर कोई दो कदम बढ़ाना भी चाहेगा तो वो उसके लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में आत्मघाती कदम होगा। चलिए मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं योगेंद्र जी, पाकिस्तान में तीन एम जिसको हम कहते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, मिलिटेंट, मुल्ला और मिलिट्री। जब इमरान खान आए तीनों ने अपना समर्थन उनको दिया, लेकिन सावाज के संदर्भ में अभी तीनों का कोई विशेष दृष्टिकोण सामने नहीं आया कि वो क्या भूमिका निभाएंगे। तो वो इस तरह का नहीं लगता शानवाज को, वो भी जो तीन एम है वो भी समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, अगर अस्तित्व होता है तो उनकी क्या भूमिका होगी, ये एक विचारणीय सवाल है। बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए कहीं भी पड़ोस में भी अगर कहीं कोई गर्माहट होती है तो उसकी चहल पहल हो, खुशी हो, गम हो, उसकी लपटें आग की हो या शांति बहाली के पटाखे फूटे, उसका पता पड़ोसी को लग ही जाता है। हमारे यहाँ पे श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क, पाकिस्तान, नेपाल, तीनों विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, वो लोकतांत्रिक स्थिति, साथ ही वहां पे महंगाई का जो आलम बना हुआ है, वहाँ आर्थिक तंगी जिस तरह की है, यही पोजीशन श्रीलंका में है, यही नेपाल में है, नेपाल और श्रीलंका के साथ में। लेकिन हमारा व्यू और एक हमारा जो दृष्टिकोण बना हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि श्रीलंका और नेपाल, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी की एक मैं उपलब्धि बड़ी मान के चलना चाहूंगा कि नेपाल जिस तरह से अभी अपने तेवर दिखा रहा था, पिछले कुछ समय से चाइना की गोद में जिस तरह से बैठने की कोशिश कर रहा था, उसे ये कहा जा सकता है कि डाइल्यूट करने की कोशिश करके एक वापस से उसे मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है। वो अपने वही चाइना की भाषा के तहत सारी चीजें चलने शुरू हो गई थी, वो एक थोड़ा सा कहा जा सकता है हमारे लिए राहत की खबर है। लेकिन वहां की जो परिस्थितियां हैं, श्रीलंका में जिस तरह से हालात बिगड़ गए हैं, वो सब चीजें हैं, तो उसका असर आता है। अब बात पाकिस्तान की, करमवीर जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, नई सरकार बनी है वहां, इमरान खान जब पहली बार गद्दी संभाली थे और उन्होंने जब वहां की हुकूमत वजीर आजम बनने के बाद में जब वहां की कौम को संबोधित किया था तो ये कहा था कि हम आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए हम फालतू को खर्चे नहीं बढ़ाएंगे, हम अनावश्यक रूप से किसी भी तरह की अगर कोई खरीद हो उस पर पाबंदी लगाएंगे ताकि वहां की कौम के लिए, वहां के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम मेहनत कर सकें, पैसा लगा सकें। लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबे चला नहीं, कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। जैसे अभी करोड़ी सिंह साहब ने बताया, हम सब लोग जानते हैं कि थ्री तरह के एम वहां काम करते हैं सिस्टम में।
तो लगता है शरीफ साहब उन पे काबू पा पाएंगे या फिर रिमोट तो उन्हीं के हाथ में रहेगा सरकार का, क्योंकि वो एक ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं वहां पे, वो किसी को भी बना सकते हैं और किसी को भी गिरा सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह की राजनीतिक स्थिति पाकिस्तान में आई है, आप देखेंगे कि इमरान खान तो एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि मेरी सरकार को गिराने के पीछे एक विदेशी षड्यंत्र रहा है, जिसमें एक डिप्लोमेटिक केबल का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि अमेरिका जो है उन्होंने पैसे भेजे और वो हमारी सरकार उन्होंने गिराया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने कहा कि गवर्नेंस के मामले में, इकोनॉमी के मसले पर पूरी तरह से सरकार फेल रही है और ये आर्थिक संकट की वजह से जो है उन्हें जाना पड़ा है, इसलिए विपक्ष जो है सारे साथ आए हैं, क्योंकि जो आवाम है वो संकट में, उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा है, सो आवाम की परेशानियों को दूर करने के लिए जो विपक्ष है वो सरकार में आए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अभी अपोजिशन जो कि अभी सरकार में आ गए, उनके पास भी 174 वोट्स हैं। और दूसरा जो कहा जा रहा था कि पीटीआई जो पार्टी है इमरान खान की वो टूटने वाली है, आप देखेंगे वो पार्टी भी नहीं टूटी और वो आप पब्लिक रैलीज वगैरह कर रहे हैं और एक नया नैरेटिव बना रहे हैं, देखो विदेशी षड्यंत्र से हमारी सरकार जो है वो गई है। सो एक तो जो सरकार एक का जाना, दूसरी सरकार का बनने के पीछे जो दो नैरेटिव पाकिस्तान में चल रहे हैं वो इस। दूसरा आप कहेंगे कि आर्मी का जो रोल है, अल्लाह आर्मी और अमेरिका तीनों हमेशा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहे हैं और आप देखेंगे कि इमरान खान ने भी इस चीज को इनफैक्ट जाहिर किया था और जो बाजवा है वहां के आर्मी चीफ, उन्होंने भी कहा था कि देखो अमेरिका तो एक हमारा पुराना स्ट्रेटजिक अलाई रहा है और उसके साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। यूक्रेन का भी उन्होंने कहा, जिक्र किया कि यूक्रेन पर अटैक रशिया ने किया वो ठीक नहीं है। ओके, सो दोनों का आप देखेंगे स्टैंड यहाँ पर अलग दिखाई दिया, आर्मी का स्टैंड विदेशी मसलों पे क्या है और इमरान खान की सरकार का क्या रहा है। जहां तक कश्मीर मुद्दे की बात है, इमरान खान के समय आप देखेंगे कि एक थोड़ी सी जो मैच्योरिटी देखने को मिली कि जो भारतीय विंग कमांडर जो पाकिस्तान में पकड़े गए उनको उन्होंने लौटा दिया, एयर स्ट्राइक जो भारत की तरफ से हुआ उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई, एक दोनों देशों में जो है स्थिति और ज्यादा विस्फोटक हो सकती थी जबकि उसको कंट्रोल में रखा गया। और नवाज शरीफ के समय में भी आतंकवादी हमले पहले भी होते रहे हैं, आप देखेंगे ऐसा नहीं है नवाज शरीफ के समय दोनों मुल्कों के बीच बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। अभी भी शहबाज शरीफ ने वहां की नेशनल असेंबली में बोलते हुए कहा है कि कश्मीर मसले को अगर सुलझा लिया जाए तो दोनों देशों के जो संबंध है वो ठीक हो जाएंगे, और उन्होंने कहा कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान की तरफ से पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट जो है वो जारी रहेगा, जारी रहेगा। तो अगर वो खुलकर के इस तरह से कश्मीर मुद्दे को उछाल रहे हैं और ये भी कहा है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, कश्मीर के लोगों की आवाज जो है वो उठाते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है किरोड़ी सिंह जी ने जैसे अभी कहा है, अभी नई सरकार का भी ये जिस तरह का दृष्टिकोण है उसे लगता है कि कश्मीर मसले के ऊपर वो भी उनका भी वही धरा रहेगा और भारत के साथ कोई संबंध सुधारने की आशा जो है वो दिखाई नहीं देती है। अभी जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जो आतंकवादी एलिमेंट्स है, उनको किस हद तक ये कंट्रोल में रख पाते हैं वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन एक ठीक इसके पहले ही हाफिज शहीद पे जिस तरह से 31 साल के कारावास की सजा और जुर्माना और तमाम जो चीजें हुई हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो एक कट्टरपंथी चेहरा जो आतंकवादियों, और सबसे बड़ी बात यहाँ एक मैं कहना चाहूंगा कि बेशक पाकिस्तान में मजबूरी हो, वहां के जो भी पॉलिटिशियंस हैं या फिर कहूं कि जो भी हुक्मरान हैं वहां के, उनकी भी अपनी एक मजबूरी है। वहां देखिए आतंकवाद सगा पाकिस्तान का भी नहीं है, लाल मस्जिद की जो स्थितियां बनी थी सबके सामने है, आर्मी स्कूल्स को किस तरह से निशाना बनाया सबके सामने है, वहां भी इस तरह के कई बार घटना हुए हैं कि जो सामूहिक नरसंहार की तरह से घटनाएं सामने आई है, पाकिस्तान खुद भी त्रस्त है। लेकिन जैसे अभी बताया गया कि वहां कट्टरपंथी आतंकवादी और सेना वो चाहते ही यही है, वो उनको सब राशि ही यही रूट आता है। और कश्मीर का जो मसला है इसको लेकर के हमेशा ब्रेन वॉश करता रहता है पाकिस्तान वहां के युवाओं का भी, और वो ये जो कॉमन फैक्टर है इसी वजह से वहां आतंकवादी पनप रहा है, उन्हें लगता है कि हमारा आशियाना सबसे बेहतर यही है और कश्मीर के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उसको ये मान के चलते हैं कि वहां पे जो कट्टरपंथी हैं उनके बीच अपनी पैट बना पाते हैं। और बड़ी वजह जो मुझे महसूस होता है कि चुनी हुई सरकारें भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती है कि हम कश्मीर के मसले को लेकर के जिसमें हमारा कोई वजूद नहीं है वहां पे, ना हमारा कोई लेना देना है, बावजूद उसके भी
हम पाकिस्तान की जनता के बीच उसे बनाए रखें, ये उनकी एक करमवीर जी मैं मजबूरी मान सकता हूं, या ये कहूं कि उनके लिए फर्टाइल लैंड ही यही है, अगर आपने कश्मीर का मुद्दा नहीं छेड़ा तो वहां की जो आवाम है आपको लाइक नहीं करेगी, ऐसा कुछ माना जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान फैक्टर भारतीय भी राजनीति भारतीय राजनीति में बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, इसी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी इंडिया फैक्टर शुरुआत से ही एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। इनफैक्ट आर्मी का जो इतना रोल रहा है, जो आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है पाकिस्तान में, उसके पीछे भी भारत रहा है, क्योंकि ये उनको डर दिखाया जाता रहा है कि देखिए भारत जो है वो कब्जा कर लेगा, भारत से अगर मुकाबला करना है तो आर्मी को मजबूत करना होगा। और ये सरकार पलटने से पहले भी आप देखेंगे कि वहां के विपक्षी लोगों ने आरोप लगाया, कई इस तरह के ट्वीट वगैरह किए गए इमरान खान की पार्टी के लोगों की तरफ से, तब कहा गया कि देखो आप आर्मी को बदनाम नहीं कर सकते, आर्मी के ऊपर जो है आप इस तरह से अटैक नहीं कर सकते, आर्मी जो है उसके ऊपर ही टिका हुआ है पाकिस्तान का अस्तित्व, इस तरह की बातें भी कुछ लोगों ने कह दिया था उस समय। तो ये माना गया कि इमरान खान की सरकार के पीछे जाने उसके चले जाने के पीछे भी रीजन माना गया कि उन्होंने आर्मी के साथ जो संबंध थे वो मैनेज नहीं कर पाए थे, और आर्मी जो है वो हमेशा एंटी इंडिया उसका स्टैंड रहता है, तो भारत हमेशा वहां पर एक बड़ा फैक्टर है और आगे आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि ये फैक्टर वहां पर बना रहेगा। दूसरा एक और चीज आप देखेंगे, इमरान खान को लेकर के ये कहा जाता रहा है कि देखिए वो भारत के समर्थक है और भारत की विदेश नीति की तारीफ की, ऐसी बातें जो है वहां की मरियम नवाज जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की एक बड़ी जो है नेता है और नवाज शरीफ की बेटी, उन्होंने भी असेंबली में भी एक स्पीच में कह दिया था कि इमरान खान को भारत इतना पसंद है तो उसको भारत चले जाना चाहिए, जैसे यहाँ कह दिया जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाइए। तो जरूर एक बड़ा फैक्टर वहां की पॉलिटिक्स में भारत बना रहे। बिल्कुल सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगा, करोड़ी सिंह जी, ये जो सेना का एक सबसे बड़ा जो कारण है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि सेना अपनी खींच मिटाती है, चाहे वो मुशर्रफ के टाइम पे कारगिल वॉर की बात हो या उससे पहले के दो युद्ध हो, भारत के सामने घुटने टेका पाकिस्तान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेना उस इतिहास को नहीं भुला पाती है और यही बड़ी वजह है कि अपनी हार की खींच मिटाने के लिए या फिर अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो इस तरह के हथकंडे जरूर अपनाती है, और यही बड़ी वजह है कि लोकतांत्रिक सरकार की भी अपनी एक मजबूरी हो, या बेशक उन्हीं के हामा मिलाना एक इस तरह का एक वहां पे एक एटमॉस्फेयर बन जाता है कि आप उससे बाहर नहीं जा सकते। देखिए योगेंद्र जी, मेमोरी स्ट्रक्चर होता है, सेना की अपनी मेमोरी है, क्योंकि हिंदुस्तान से कई बार हार चुके हैं तो निश्चित रूप से वो रेवेंज का भाव निश्चित रूप से सेना में है, लेकिन इसके अलावा सेना की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में सेना का एक सबसे बड़ा फैक्टर है, वो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी सेना का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, और उसकी वजह से सेना का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे भारत में सेना का, भारत के औद्योगिकरण या जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें सेना का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत से देशों में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सेना का इन्वॉल्वमेंट है। तो सेना अपने आप को प्रभावशाली बनाए रखना चाहती है और जब भी संकट आता है सेना अपनी भूमिका निभाती है। दूसरा यह है कि पाकिस्तान में अलग अलग नेशनलिटीज हैं, एक पाकिस्तानी राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं वो पनपी ही नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान को हम एक कहते हैं कि पांच राष्ट्रीयताओं का संगम है, उसमें पंजाबी राष्ट्रीयता है, सिंधी राष्ट्रीयता है, पख्तून राष्ट्रीयता है, बलूच राष्ट्रीयता, और तीसरा अपने जो माइग्रेंट होके गए थे यहाँ, जो उनकी अलग से एक राजनीतिक दल है, तो ये पांच जो राष्ट्रीयताएं इनका संगम है, तो इनमें टकराहट की स्थिति बनती है और सेना इनमें संतुलन का काम करने की कोशिश करती है, लेकिन सेना में पंजाबी डोमिनेशन की वजह से वो ऐसा बायस लगता है कि पंजाबी डोमिनेशन को सेना बनाए रखना चाहती है, इसलिए दूसरे प्रांतों में सिंध है, बलूच है और मुहाजिर है, उन सब में एक तरह का सेना के प्रति भी ऐसा भाव रहता है कि सेना भी पक्षपात कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में सेना, मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति में टेक ओवर करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा राजनीतिक संकट होता है और हिंसात्मक हिंसा की राजनीति वहां शुरू होती है तो सेना हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। एक अन्य जो महत्वपूर्ण पक्ष है, सामान्यतः हमारे मीडिया ने भी खूब कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में आ गया और वो तालिबान कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट करवाए, उससे एक अलग तरीके की प्रवृत्ति उभर कर सामने आ रही है, क्यों तहरीके तालिबान जो पाकिस्तानी बेस्ड संगठन है
इमरान खान के साथ नहीं रहा और अब भी मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के साथ रहेगा। तो जो तालिबान को पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तानी स्टेट ये मान के चलता था कि हमारा परफेक्ट है, हम चाहे जैसे तालिबान को यूज करेंगे और अमेरिका से तालिबान के नाम पे हमेशा मदद लेता रहा, तालिबान हमारे पक्ष में है या हमारे साथ है, हमारी जेब में है, आप चाहो तो हम तालिबान से डायलॉग करवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं, वो जो मिथ था वो भ्रष्ट हो गया है। और तालिबान सरकार है और पाकिस्तान सरकार के बीच में बड़े विरोधाभास हो रहे हैं। एक तो बॉर्डर को लेके प्रॉब्लम है, दूसरा तालिबान के आते ही पाकिस्तान का ISI चीफ सीधे वहां चले गए, तो उसको अब तालिबानियों ने एक इंटरफेरेंस के रूप में लिया। और नॉर्मली जो गुप्तचर एजेंसी के जाते हैं उनको पब्लिसाइज नहीं किया जाता है, तो जिस तरह पब्लिसाइज किया तालिबानों ने रिएक्शन किया है, तो उससे मुझे लगता है कि ये भारत के पक्ष में एक तरह का सकारात्मक होगा कि तालिबान भारत के नजदीक आ सकता है, न कि तालिबान कश्मीर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस्लाम के नाम पे, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार और यहाँ पाकिस्तान में किसी की भी सरकार हो, दोनों में विरोधाभास होगा, दोनों में तनाव होगा, और उसके लिए भारत को एक लिवरेज मिल सकता है। तो उस लिवरेज की स्थिति में सेना मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, क्योंकि जब तक तालिबान या मिलिटेंट सेना के साथ नहीं होंगे तो सेना भारत के लिए कोई ज्यादा नुकसानदेह नहीं हो सकती। हाँ, सेना अगर वहां पाकिस्तान में आंतरिक राजनीति में हिंसा होती है तो सेना टेक ओवर कर सकती है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वहां सेना टेक ओवर करेगी। जी, फिलहाल हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ दिन तो एक लोकतांत्रिक सरकार वहां अपना वजूद रख पाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब रमजान के बाद में सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ लौटेंगे वापस वहां पे, और तब सराफत का भी पता लग पाएगा, बहुत सारी चीजें हैं कि वो क्या कुछ होगा। तो अभी कुछ दिन के लिए तो मान के चलते हैं कि चुनी सरकार अभी स्टैंड कर पाएगी, क्योंकि नेशनल असेंबली से जैसे ये ऐलान किया है तो वॉकआउट किया है कि रिजाइन भी कर सकते हैं इमरान के, और क्योंकि विपक्ष के रूप में अब इमरान खान है तो बहुत ज्यादा अंतर सीटों का नहीं है, वो भी एक मजबूत विपक्ष की तरह मान के चल सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक स्थिरता जो है पाकिस्तान में वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो जो आर्थिक संकट की वहां पर स्थिति है, क्या अभी जो शहबाज सरकार बनी है वो आर्थिक मसलों के ऊपर कोई ऐसी डिसीजन ले पाएगी। आज भी एक बड़ी बैठक जो उन्होंने इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के साथ वहां पर की है, सो क्या पाकिस्तान को वो संकट से निकाल पाएगी या वहां के आवाम को कुछ राहत दे पाएगी, इस पर डिपेंड करता है। और दूसरा, शहबाज शरीफ की सरकार वहां की आर्मी के साथ किस तरह का तालमेल बना के रख पाती है, जिस तरह के इमरान खान के अलावा एक चीज और करमवीर सिंह जी, एक चीज और, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, मोनोपोली शहबाज शरीफ की नहीं चल सकती अकेली, वो एक गठबंधन में एक हर नेता, क्योंकि देखिए आज वो गठबंधन में है, हम भारत की तरह देख सकते हैं वहां पे भी स्थितियां, गठबंधन कब बिखरेगा कोई पता नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में सबको चुनाव में जाना है और इंडिविजुअली सरकार बनाने की कोशिश हर कोई करेगा, चाहे वो बिलावल भुट्टा हो चाहे दूसरे लोग हो। तो ये लगता है कि लंबा भविष्य तो नहीं कह सकते, एजेंडा एक हो सकता है कि इमरान खान को सरकार से बाहर करना है। बिल्कुल सही कहा आपने योगेंद्र जी, क्योंकि ये नेचुरल अलाई नहीं है एक दूसरे की, कोई ये तो इनफैक्ट PTI भी कह रहा है ये तो अननेचुरल अलाई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज पार्टी जो है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पार्टी, ये दोनों के बीच में हमेशा टकराव रही है। दूसरा जो मुतहदा पार्टी, वहां से PTI से अलग होकर के इधर आई है, सो इनके आपस में टकराव है, विचारधारात्मक इनके टकराव है, वैसे भी हितों में टकराव है, कोई कभी भी ये दोस्त नहीं रहे। तो कितने समय तक सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है कि ये लोग इमरान खान के विरुद्ध जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, पर ये कितने समय तक टिक पाता है ये देखने की बात होगी, क्योंकि विचारधाराएं तो टकराएंगी, आपस में जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर होगा, तो ये सारी चीजें देखने वाली बात। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए, पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, उन्हें शुभकामनाएं दी है, और भारत हमेशा यही उम्मीद करके चलता है कि शायद पाकिस्तान सौहार्द की राजनीति करेगा और वहां भाईचारा कायम रहेगा, और हम चाहते भी हैं कि उनकी लोकतांत्रिक सरकार एक अपना वजूद बनाए रखे। कभी भारत नहीं चाहता कि वहां की जो स्थितियां हैं वो बिगड़ें, क्योंकि अगर बिगड़ती हैं तो उसका असर चारों तरफ देखा जाता है। खैर चलिए, लेकिन देखना होगा कि अभी चुनी हुई सरकार का अगला एजेंडा क्या होता है, कब तक क्या करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ भी अपने पत्ते खोल करके उन्होंने आखिर कश्मीर का राग तो आलाप ही दिया।
जो मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है या फिर वहाँ के परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि उससे बाहर आप निकल नहीं सकते। जैसे करोड़ी सिंह जी ने कहा कि 3M फैक्टर काम करता है, आपको उस प्रेशर को तो मानना ही होगा, और शायद वो कश्मीर का राग जरूर चाहते हैं। खैर चलिए, लेकिन देखना होगा, हिंदुस्तान अपना काम करता है, पाकिस्तान क्योंकि पड़ोसी मुल्क है इस वजह से तमाम चीजें देखी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अतिथियों का, दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।